हमारे दर्शकों को तुम आज क्या दिखाने वाली हो? आज जरा मैंने कुछ तो अलग व्यंजन दिखाने का सोचा है, क्योंकि हमेशा हमारे टिपिकल व्यंजन हम हमारे महाराष्ट्रियंस कहो या बाकी भारत के अन्य प्रांतों के भी व्यंजन दिखाए जाते हैं, तो इस बार मैं एक फॉरेन व्यंजन दिखाने वाली हूं। फॉरेन व्यंजन? फॉरेन व्यंजन मतलब कुछ धक्का तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं नहीं, तबीयत ठीक रहेगी ना मेरी? तो तुम्हारी तबीयत और भी सुधर जाएगी, इसका मुझे डर है बस। ओके, क्या मैं क्या क्या बताने वाले हूँ मुझे बताओ। पहली हमारी रेसिपी क्या? ओके, उसका नाम है फोकासिया। नाम से ही धोखा। फोकासिया। फोकासिया इज व्हाट? ये एक इटालियन ब्रेड है। अच्छा, और दूसरी रेसिपी क्या है? दूसरा है हमारा चिकन पास्ता। चिकन पास्ता, नाम तो पता है। हम पहले क्या बना रहे हैं? हम फोकासिया बनाएंगे। फोकासिया बनाएंगे, या ओके। मुझे सामग्री बताओगे इसकी क्या क्या? ये 500 ग्राम मैदा है। ओके। इसमें ये 20 ग्राम यीस्ट है, फ्रेश यीस्ट। अच्छा। है हाँ। लगभग एक छोटा प्याज है, थोड़े से मशरूम्स हैं, ये ओरिगेनो है, ये रॉक सेंधक, रॉक सॉल्ट हम कहते हैं इसे, वो है। ये 60 ml ऑलिव ऑयल है, ये पिटेड ऑलिव्स कहते हैं हम, वैसे ऑलिव्स हैं, और कुनकुना पानी। हमने सामग्री देख ली है, फोकासिया कहाँ का व्यंजन है ये भी जान लिया है। पल भर के लिए ऐसा सोचेंगे कि ये व्यंजन खाते हुए हम इटली में हैं। ओके, बताओ अब क्या हमें कैसे करना है? अब बेसिकली ये हमने मैदा लिया है, इसमें एक इम्पोर्टेंट होता है कोई भी ब्रेड बनाते हुए कि कभी भी यीस्ट और नमक इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वैसा हुआ तो वो ब्रेड रेज नहीं होता, फ्लैट हो जाता है। तुमने उसे एक तरफ लिया है, यीस्ट एक तरफ ले लिया है, 20 ग्राम यीस्ट है ये। नमक 1.5 teaspoon कहेंगे हम, वो ये इस तरफ लेंगे हम ऐसे। हाँ। अच्छा। थोड़ा सा और पहले ये ईस्ट पूरा यहाँ एक मिक्स कर लेंगे एक साइड में ऐसे, और बाद में सॉल्ट इस तरह यहाँ ऐसा अलग से। हाँ, और इसे धीरे धीरे ऐसे करेंगे, और इसमें हम तेल डालेंगे। ओके। हाँ, और फिर ये सब थोड़ा धीरे धीरे यहाँ से इसमें मिक्स करना है, मतलब नमक आपने जिस साइड में लिया है वहाँ से, और ये उसके बाद थोड़ा सा कुनकुना पानी उसमें डालना है। उसमें तुमने एक तरफ यीस्ट रखा है? हाँ, एक तरफ यीस्ट और एक तरफ नमक। ऐसा वो इकट्ठा करने के बाद उसका डो बनाया और उसे 1.5 घंटा रखा, मतलब अभी नहीं रखा, वो घर में रखा था, वो घर से लेकर आई है। तो 1.5 घंटा रखने के बाद वो ऐसा फूलता है, और वो फूला हुआ डो यहाँ हमने निकाला है, और अब हम इसे यूज करेंगे। अब अच्छे से फूल गया है, अच्छे से ऊपर आया ना, उसे अब ऐसा जरा सा गूंद लेना है। फिर उसके बाद हमें अभी हम बना रहे हैं मशरूम फोकासिया, तो ये ऐसा थोड़ा सा हमने तेल डाला है, ऑलरेडी गरम करके रखा था। उसमें अब ये प्याज डालना है। हाँ? थोड़ा सा प्याज भून लेंगे हम। इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि मशरूम के बारे में, कि हमारे यहाँ मशरूम्स मिलते हैं ना, उसमें इतना पानी होता है कि वो थोड़ी देर गैस पर रखकर उसका पानी इवेपोरेट करना हमेशा अच्छा होता है। नहीं तो आपने ऐसे मशरूम्स डायरेक्टली डाले अगर पानी बिना निकाले, तो आप जिस डिश में वो डाल रहे हैं वो डिश थोड़ी सी सॉगी होती है, इसका पानी उसमें उतर जाता है। okay. और इसीलिए थोड़ा सा इसका पानी निकाल लेना है। ड्राई कर लिया है ऑलरेडी? ड्राई कर लिया है ऑलरेडी। और फिर इस प्याज पर ये मशरूम डालने हैं, इस पर थोड़ा सा हम रॉक सॉल्ट डालेंगे। ये डालने के पीछे कारण क्या है? एक्चुअली क्या है ना, तुम देखो तो यू नो, ये जो अपना सेंधा जो है, जिसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, उससे ना एक पेक्यूलियर खट्टा नमकीन टेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। ओके। और उस वजह से जरा अच्छा सा उसका एरोमा आता है। ओके। तो अब ये हमारा हो गया है। अच्छा, अपनी वो डिश कहाँ गई तैयार की? हाँ, ओके। अब थोड़ा सा उसे तेल लगाना है, और उस पर थोड़ा सा मैदा फैलाकर डालना है, मतलब नीचे चिपकेगा नहीं जो हम ब्रेड बना रहे हैं। ये कौन सी डिश है? ये नॉर्मल अपनी ओवन प्रूफ डिश, कोई भी होगी तो कोई भी चलेगी, एनी ग्लास की डिश भी चलेगी आजकल। अब ये जो गोला है ना, वो ऐसा पूरा इस पर स्प्रेड करना है, उसकी थिकनेस थोड़ा अच्छे से, ऐसा अच्छे से स्प्रेड कर दिया ना। ओके। कि पहले उस पर थोड़ा सा ओरिगेनो डालना है, आजकल ये चीजें सभी जगहों पर मिल जाती हैं। और ये अच्छे से ओरिगेनो स्प्रेड किया, थोड़ा सा उस पर हम रॉक सॉल्ट स्प्रेड करेंगे। हाँ, और फिर ये जो हमने बनाया है ना मशरूम्स और प्याज, ये करने से पहले थोड़ा सा इसे इस तरह हम दबाते हैं ना, जैसे आटा वैसे थोड़ा सा करना है, मतलब अंदर जरा जाकर बैठ जाता है इसीलिए। एक्चुअली पिज्जा ये भी एक इटालियन व्यंजन ही है, तो उसी का वेरिएशन फोकासिया है, मतलब हमारे यहाँ कैसे रोटी के अलग अलग प्रकार, जैसे पुरन की रोटी, खोवे की रोटी, तो उसी टाइप का उनका ये, उसकी एक वैरायटी है ये फोकासिया। अब ये ऑलिव्स तुम्हें पता है ना, बहुत ही बड़े गुणकारी होते हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं ऑलिव्स, मतलब मुझे इसकी जरूरत है ऐसा तुम्हारा।
तो कुछ इस तरह हाँ, पिटेड मतलब उसमें से बीज निकाले हुए ऑलिव्स, ये भी कहीं भी मिलते हैं, उस कारण इनमें से कोई भी चीज मिलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाता है। पिज्जा जैसा ही दिख रहा है, मतलब तभी तुम जो हाँ, वैरायटी है ये, रोटी का एक प्रकार। यस, इटालियन रोटी का एक प्रकार, इटालियन रोटी। सो दिस इज रेडी, अब ये ओवन में रखेंगे, यूजुअली नॉर्मल ओवन में 250 सेंटीग्रेड पर लगभग 25 मिनट तक रखा तो भी हो जाता है, लेकिन एक कोई भी बेकिंग की एक बेसिक बात है कि ओवन हमेशा प्री हीट करें, मतलब थोड़ा पहले गर्म करें, 5-10 मिनट पहले गर्म कर लें, मतलब प्रॉपर सब तरफ एवरी कॉर्नर में वो हम क्या कहते हैं उसे डिस्पर्जन ऑफ हीट मतलब फैल जाती है। हाँ हाँ, तो मतलब ये जब हम रखते हैं तब काम शुरू हो जाता है, तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज डन, बट यू आर नॉट डन, यू आर नॉट डन योर जॉब। आप सामग्री और विधि तुरंत लिख लीजिए। फोकासिया बनाने के लिए लगने वाली सामग्री 500 ग्राम मैदा, 20 ग्राम यीस्ट, बारीक कटा हुआ प्याज, मशरूम्स, ओरेगानो, सेंधा नमक, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स और कुनकुना पानी। विधि, पहले एक बाउल में मैदा, यीस्ट, नमक, तेल और कुनकुना पानी लेकर आटा गूंध लें और 1.5 घंटे के लिए रख दें। पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, मशरूम्स और नमक डालें। एक डिश को तेल लगाकर उस पर मैदा फैला लें और उस पर बुना हुआ आटा गोलाकार फैला लें। उस पर ओरेगानो, सेंधा नमक, मशरूम्स का मिश्रण और ऑलिव्स डालें। फोकासिया ब्रेड 250 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट के लिए बेक कर लें।